मने 22 साल की उम्र आलातां की छालनी में छानी है। इश्क की कर की ओंश लिया के डर की थम दोरे तो बैठो सुनान ने इबे बहुत कहानी है। मने 22 साल की उम्र आलातां की छालनी में छानी है। राम राम दोस्तों, मैं खोजी रूदार एक बार फिर बोल हरियाणा की पोइट्री सीरीज खोजी की डायरी का एक और किस्सा तारा श्यामी पेश करना आया हूँ। और इस किस्से में एक करीबी दूसरे करीबी तय अपनी बात बताने लग रहा है, कहन लग रहा है कि तू अपनी चीज़ा में जरूर उलझ रहा है लेकिन तेरी उन चीज़ां करके हमारे बीच में जो दूरी आन लग रही है वह बहुत गलत है। मानू हूँ कि वे चीज़ें तने उन चीज़ां का बैर नहीं लिकड़न देंदी लेकिन मैं चाहूँ हूँ तेरी हर सिचुएशन में तेरे गले खड़ा होना, तो वह चीज पेश करूं भाइयो। उम्मीद है तारा दिल में उतर जाएगी यह बात, और जे तारा पे भी कदे कोई इसी गलती हो यो या होन लग रही हो किता में नेगेटिव सिचुएशन में अपने उस करीबी ने थोड़ा सा धुंधले से आईने की तरफ लेकर जान लग रहे हो, या तारा रिश्ता है धीरे धीरे धुंधलाउन लग रहा है, शायद यह पोइट्री थमने जगावे जिस तरह मैं जगाया। एक किस्सा पेश करूं, एक अरसे से मेरे पास कुछ है जो तुम्हारी गौर से परे है। आजकल हम होने के खूबसूरत ख्वाब मैं से भरे हैं। एक अरसे से मेरे पास कुछ है जो तुम्हारी गौर से परे है। तुम्हारी आंखों में मैंने टूटे घर की डरावनी तस्वीरें बनी देखी हैं। मालूम है किस कदर खरोंचा है तुम्हारे अपनों ने। मैंने तुम्हारी रूह लहू में सनी देखी है। शायद मेरे इश्क की मरहम बेअसर है अब तलक जो तुम्हारे जख्म हरे हैं। एक अरसे से मेरे पास कुछ है जो तुम्हारी गौर से परे है। तुम्हारी खामोशी मेरी अच्छी सहेली है, रातों में अक्सर पास बैठकर गुनगुनाती है। तुमसे तो वो भी नाराज रहती है मगर मेरे किस्से वो तुम्हारी शाही को खूब सुनाती है। वो थोड़ा सुकून थोड़ा चैन मुझे दे, मरने से बचाती है लेकिन अफसोस है बहुत बुरा लगता है कि तुम्हें खबर तक नहीं खोजी तुम्हारी इस बेबसी के बेहुदा खेल में मेरे अरमान बेकसूर बिन मौत मरे हैं। आजकल खूबसूरत ख्वाब मैं से भरे हैं। एक अरसे से मेरे पास कुछ है जो तुम्हारी गौर से परे है। आजकल
हम होने के खूबसूरत ख्वाब मैं से भरे हैं। तो दोस्तों यूं था किस्सा, जद दो आदमियों का बीच का रिश्ता मैं और तुम पे तय हम होने की ओर हो है, और फिर भी कुछ चीजें कुछ हालात कोशिश करें कि उन दोनों आदमियों का बीच का रिश्ता ने खत्म कर दिया, लेकिन वो रिश्ता हम होने का है। क्योंकि वो आदमी वो करीबी हर गलत सिचुएशन में हमारा गल्ला हुआ है, तो इसका सीधा सा एक हिसाब बना है कि चाहे सिचुएशन कितनी गलत हो, चाहे हमारा गलत कुछ भी हो रहा हो, हमने अपने रिश्ते नहीं खोने चाहिए। रिश्ते बनाने आसान है, लेकिन रिश्ते संभालने बहुत मुश्किल है। कई बार अपनी गलती नहीं है फिर भी गलती माननी पड़े, क्योंकि हमने वो रिश्ता बचाना है। होश कह, वो आदमी एक वक्त में गलत भी कह गया हो, कुछ गलत भी कर गया हो, लेकिन फिर भी वह चीज वह खुशी वो सुकून जो उसने मरते उस माड़े टाइम में दिया है वो कोई और शायद ही दे पावे। तो इस किस्सा के बारे में कमेंट करियो और जागियो जरूर कि कोई भी रिश्ता इब ईगो का चक्कर में खराब नहीं हुआ। छोटी सी जिंदगी है, बहुत रंगीन है, अप डाउन गलत सिचुएशन ये भी बहुत जरूरी हैं। इन्हें में हमने पता चलागा कि हम कितने खड़े हो उसका अपने करीबी आके। बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते रहो हर हफ्ता खोजी की डायरी। बोलरियाना ने सब्सक्राइब कर दो और कमेंटा में जितना महसूस कर सके इन अल्फाज जाना उतना बताओ, मैं बाट देखने लग रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।